नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले जो 9 मार्च को थर्ड शिफ्ट का एग्ज़ाम हुआ है, मैं अशोक का धन्यवाद करना चाहता हूं जिन्होंने इसके जो क्वेश्चंस आप सभी तक उपलब्ध करवाने के, इसका जो बायोमेट्रिक है 9 तारीख तीसरा महीना और 3 से 4 यानी तीसरी थर्ड पारी के ये क्वेश्चंस हैं। दोस्तों आज जो फर्स्ट पर जो 7 तारीख को एग्ज़ाम था उनमें से एक क्वेश्चन से रिपीट पूछा गया। ये क्वेश्चन जब हमारे पास आते हैं उनके बाद में जो भी क्वेश्चन और भी आते हैं उसके अंदर जो पूछ बताया गया था जिसमें एक क्वेश्चन से रिपीट है, इसमें एक क्वेश्चन से रिपीट है और सुबह की पारी में 2-3 क्वेश्चन से रिपीट थे। तो इस वीडियो को पूरे सभी देखना जरूरी है क्योंकि उनमें से आपका एक क्वेश्चन आ जाए। आइए शुरुआत करते हैं दोस्तों। राजस्थान डेली करंट अफेयर्स के लिए यूट्यूब चैनल टारगेट ऑन जीके सब्सक्राइब करें। आज का जो सवाल पूछा गया था 2012, राजस्थान में 2012 का पशु घनत्व 169 वर्ग किलोमीटर, 169 वर्ग किलोमीटर, उसके बारे में पूछा गया है। राजस्थान का मैनचेस्टर भीलवाड़ा को कहा जाता है, ये सवाल रिपीट है, ये सबसे क्वेश्चन से रिपीट है। और साक्षरता को बढ़ाने के लिए कौन सी योजना चलाई जा रही है, एक वंदे मातरम योजना, वंदे मातरम योजना साक्षरता से संबंधित है। काजरी, काजरी कहाँ स्थित है, तो काजरी जोधपुर के अंदर स्थित है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। और इससे पहले परसों के पारी में एक और क्वेश्चन पूछा गया था काजरी के बारे में पूछा गया था क्वेश्चन। अमृता देवी का संबंध किससे है, वन्य पेड़ पौधों की संरक्षण के लिए अपना जीवन दे दिया गया, और पेड़ पेड़ कौन सा, खेजड़ली के लिए, ये आपको ध्यान रखना, खेजड़ली के लिए इन्होंने अपना बलिदान दिया गया और इसकी याद में जोधपुर के अंदर विश्व का एकमात्र खेजड़ली वृक्ष मेला भी लगता है। अलिया जिला बाई को पद्मश्री अवार्ड कब नवाजा गया, तो 1982 कदम पद्मश्री अवार्ड से नवाजा गया था। देवनारायण जी का जन्म कहाँ कब हुआ था, तो सावंत 1300 में इसका जन्म हुआ था। देवनारायण जी की फड़ सबसे प्रसिद्ध है, सबसे बड़ी भी है और सबसे छोटी भी है। देवनारायण जी की 2x2 पर डाक टिकट जारी किया गया है, 2x2 यानी लंबाई इंटू चौड़ाई पर दो डाक देवनारायण जी डाक टिकट जारी किया गया। देवनारायण जी का मिंदर, जिस जिस शब्द के पीछे पुरिया आ रहा है, देवपुरिया देवधाम, तो वो क्या है, पुरिया और देवधाम किसके हैं, देवनारायण जी के। सबसे ज्यादा मिंदर है टोंक के अंदर। एक सीसा दस्ता का क्वेश्चन था दोस्तों, सीसा दस्ता का क्वेश्चन था कि खान पूछी गई थी, 2-4 ऑप्शन थे उनमें से कौन सी खान ही है, तो सीसा दस्ता के बारे में। और चंदेरिया चित्तौड़ में से कौन सा खनिज निकलता है, तो घिया पत्थर निकलता है, ये क्वेश्चन पूछे गए थे। कंप्यूटर के 6 से 7 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, कंप्यूटर की बात करते हैं, 6 से 7 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और राजस्थान के बाद सर्वाधिक बाजरा उत्पादन करने वाला राज्य महाराष्ट्र है। दोस्तों महाराष्ट्र की राजधानी आप हमें कमेंट के जरिए बताएंगे, हमें बहुत खुशी होगी दोस्तों। उसके बाद में दोस्तों, मछली के तेल में कौन सा विटामिन, मछली के यकृत के तेल में कौन सा विटामिन पाया जाता है, तो विटामिन कौन सा पाया जाता है, विटामिन डी पाया जाता है। उसके बाद में क्वेश्चन दोस्तों विटामिन के बारे में बहुत सारे आ रहे हैं, विटामिन दूध में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता, सी में। सवाल ऐसा भी पूछ सकते हैं कि निम्न में से दूध में के लिए उपयोगी नहीं है, तो विटामिन सी। और विटामिन सी का रासायनिक नाम पूछ लिया गया है। और विटामिन ए की कमी से कौन कौन सा रोग होते हैं वो भी, तो विटामिन सी आप एक बार जरूर देख लें। उसके बाद में जो जो क्वेश्चन है, सैन्य अभ्यास, इंद्र सैन्य अभ्यास भारत और किसके देश के मध्य हुआ था, भारत और रूस के साथ 2017 के अंदर ये हुआ था सैन्य अभ्यास। तो इस प्रकार से जो थर्ड पारी में आए हुए क्वेश्चन हैं दोस्तों, दोस्तों मैं आपसे अशोक जी को आप धन्यवाद दें, हमारी ओर से हम अशोक जी को बहुत तहे दिल से धन्यवाद देते हैं। आप भी हमें कमेंट के जरिए इनको धन्यवाद जरूर दें। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर जरूर करें।